पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। डिस्कवरी के मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में आज जंगल में घूमते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। 180 देशों में हुआ कार्यक्रम का प्रसारण। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में शांति के साथ मनाई गई बकरीद। मस्जिदों में अदा की गई नमाज, नहीं हुई कोई घटना। एनएसए अजीत डोभाल ने किया कश्मीर घाटी का हवाई सर्वेक्षण, सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा। घाटी में शांति बनाए रखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कदम। 8 अलगाववादी नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश। रिलायंस की आम बैठक में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, कश्मीर और लद्दाख के लिए आएंगी नई सौगातें। साथ ही पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 जवानों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी कंपनी। चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा आपसी मतभेद को कभी विवाद का कारण नहीं बनने देंगे। चीन के 3 दिवसीय दौरे पर आज बीजिंग पहुंचे हैं जयशंकर। मुजफ्फरनगर में स्वागत समारोह में अफरा तफरी, कटकर अलग हो गई यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के दाहिने हाथ की छोटी उंगली। बागपत में आरोपी को छुड़ाने के लिए महिलाओं ने दोघट पुलिस थाने पर किया हमला, पुलिस कर्मियों की फाड़ी वर्दी, जमकर किया हंगामा। पाकिस्तान के फैसले के बाद अब दिल्ली परिवहन निगम ने भी रद्द की दिल्ली लाहौर बस सेवा। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा समाप्त किए जाने के बाद दोनों देशों में आई तलखी। फिर छोटे पर्दे पर लौटे आयुष्मान खुराना, फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर रिलीज। आयुष्मान ने ट्वीट कर लिखा, तैयार हो जाए मिलने पूजा उर्फ ड्रीम गर्ल से। हाल ही में आयुष्मान ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।